अतीक अहमद के छोटे बेटों ने की नई मांग। बाल सुधार गृह में बंद है अतीक अहमद के दो बेटे। मां शाइस्ता परवीन के बारे में पूछे सवाल। बेटों पर छाई मुसीबत, क्या लौट आएगी माफी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन। उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद का परिवार, जिसका कभी उत्तर प्रदेश में एक रुतबा हुआ करता था, अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जुर्म के दलदल में डूबा ये परिवार आज अपने किए कर्मों की सजा भुगतने को मजबूर है। अतीक अहमद की मौत से पहले ही उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन फरार हो चुकी है और तब से उसका कोई पता नहीं है। शाइस्ता को ना पुलिस खोज पा रही है और ना ही उसके रिश्तेदारों को उसकी कोई जानकारी है। शाइस्ता कहाँ है ये खुद उसके बेटों को भी नहीं पता। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद अतीक के बेटे खुद को काफी अकेला महसूस कर रहे हैं, खासकर अतीक के दो छोटे बेटे जो बाल सुधार गृह में हैं। अतीक के सबसे छोटे बेटे की उम्र 14 साल है, जबकि उसके बड़े बेटे की उम्र 17 साल। इन पर भी अपराध दर्ज है, लेकिन 18 साल से कम होने की वजह से इन्हें बाल सुधार गृह में रखा गया है। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से अतीक के ये दोनों बेटे काफी परेशान हैं और इनकी परेशानी की वजह है इनका अकेलापन। ये दोनों अक्सर अपनी माँ शाइस्ता को लेकर पूछते रहते हैं। दरअसल 4 महीने से इन दोनों से मिलने कोई भी नहीं आया। शाइस्ता परवीन अपने तीसरे बेटे के एनकाउंटर के बाद नहीं आई। ऐसे में इन दोनों को ये तो पता है कि इनकी माँ इनसे मिलने नहीं आएगी, लेकिन बावजूद इसके ये बाल सुधार गृह में काम करने वाले लोगों से शाइस्ता के बारे में पूछते रहते हैं। इसके अलावा अतीक अहमद के ये दोनों बेटों की एक और परेशानी है। इन दोनों ने जेल में नॉनवेज देने की मांग की है। ये यहाँ के कर्मचारियों से नॉनवेज की अलग अलग तरह की डिश जैसे बिरयानी, कोरमा, बटर चिकन की मांग करते रहते हैं। इन्हें यहाँ मिलने वाला वेज खाना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। इनका कहना है कि इन्हें इनके मुताबिक खाना दिया जाना चाहिए। अतीक के दो बड़े बेटे अली और उमर जेल में बंद हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता के अलावा अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा भी फरार है। यहाँ तक कि अतीक की बहन आयशा नूरी का भी पता नहीं है। ऐसे में इन दोनों से मिलने वाला कोई नहीं बचा। ये अक्सर अपनी रिहाई को लेकर भी यहाँ सवाल करते रहते हैं। आगे इनका क्या होगा और इनको क्या कभी रिहाई मिलेगी? बाल सुधार गृह में जो बड़ा बेटा है वो कुछ महीने और यहाँ रहेगा, यानी जब तक 18 साल का ना हो जाए, उसके बाद उसे जेल भेजा जा सकता है। जबकि सबसे छोटा बेटा अभी सिर्फ 14 साल का है, तो उसे 4 साल यहीं रहना पड़ेगा। अगर शाइस्ता परवीन सरेंडर कर देती है या फिर गिरफ्तार हो जाती है तो शायद वो इनसे मिल पाए, लेकिन फिलहाल तो इन दोनों को इसी हाल में यहाँ अकेले ही रहना होगा। अतीक अहमद के परिवार ने लंबे समय तक अपनी दहशत से यूपी में राज किया है। काली कमाई की बदौलत अतीक के बच्चे ऐशो आराम से जीते रहे और शायद यही वजह है कि अब इन्हें एक एक दिन काटने मुश्किल हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि बेटों पर आई मुसीबत को देखते हुए क्या माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन लौट आएगी? आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ जनेट टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।